गब्बर खास का मतलब उसमें कोई नया टेक्नोलॉजी है क्या? 100% है, मैंने नया टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। क्या फायदा होगा इससे? फायदा यही होगा कि आगे चल के जो नई टेक्नोलॉजी की जो लैपटॉप आ रही है, जैसे 7th जनरेशन ऑनवर्ड्स, उसके अंदर में ये न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है चार्जिंग की, अच्छा, मतलब तुम्हारा पावर कंजप्शन के लिए को कम होने के लिए, लैपटॉप को कॉम्पैक्ट बनाने के लिए और ऐसा क्या खास है उसमें? मतलब आप एक्सप्लेन ऐसा क्या खास किए हो? जो खास है वही एक्सप्लेन करेंगे ना। माने आप बोल रहे हो कि अब चार्जिंग की नजरिया बदलेगी। करेक्ट, माने बच्चों को ये वीडियो खरीद कर देखना चाहिए, राइट ना? बिल्कुल। इसीलिए देखना चाहिए कि ये जो चार्जिंग आईसी और चार्जिंग की जो मतलब कॉन्फ़िगरेशन है, ये बाकियों से पूरा अलग है। अच्छा, जो अब तक हम लोग जेनरिक लैपटॉप या हम लोग जो लास्ट क्लास में डिस्कशन किए डिस्क ड्राइव वगैरह, वो सब यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल नहीं है। नहीं है। अच्छा, इसमें मतलब आप बोल रहे हो एसीडी तो हट गया। एसी डिटेक्ट है, अच्छा, फिर एसी डिटेक्ट है, लेकिन एसी ड्राइव वगैरह नहीं है। एसीओ के नहीं है। एसी ओके है, ऐड क्या हुआ? एम ऑन हुआ क्या? एम ऑन है, बीम ऑन है, ओटी है, ओटीजी है। ओटी है। हाँ, अच्छा, ओटीजी ओटीजी है। ओटीजी। अच्छा, क्या ये एक्सप्लेन कर पाओगे ओटी का काम क्या है बोल के? अच्छा, ओटी नहीं, ओटी नहीं, ओटीजी हो। ओटीजी, ये ओटीजी क्या होता है हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे क्या, थोड़ा ब्रीफ में? अरे जैसे हमको एक पोर्ट पे 5 वोल्ट चाहिए, ठीक है, किसी भी काम करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए हमको एक 5 वोल्ट चाहिए, जो ऑलवेज हमको लैपटॉप ऑफ कंडीशन हो या ऑन हो, कैसे भी हमको चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, ये उसकी एक मतलब जो कंट्रोलिंग है वो चार्जिंग आईसी के अंदर में है। मतलब ये आईसी की खासियत है कि इसके अंदर में ओटीजी है, बाकी अलग अलग लैपटॉप के अंदर में जिसके अंदर में कंपनी ने ओटीजी फीचर को लगाया है उसमें ये काम करेगा, अच्छा और कुछ लैपटॉप में है तो उसमें नहीं है, ऐसा है। अच्छा अच्छा ऑन द गो बोलते हैं ना ओटीजी को, ऑन द गो बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं? ऑन द गो। ऑन दी गो। बाबा, ये तो कोरोना हाँ, से भी खतरनाक है। ऑन दी गो हो गया अभी क्या, पता नहीं। ऑन दी गो, चलिए मैं सबसे यही बोलूँगा कि गब्बर का कुछ वीडियो है, शायद मेरे ख्याल से आप लोगों के आगे चलकर काम आएगा। अगर उसका वीडियोस देखो तो शायद उससे परचेस करो, उसका कुछ मतलब उससे कुछ सीखने की कोशिश करो उनसे। ओके गबर, देखते हैं कितने जन जुड़े। 78 शायद और भी आएंगे, क्योंकि क्लास आज छोटा सौ होगा। सौ टपेगा, सौ सौ टपेगा। नहीं, क्लास आज छोटा होगा, मैंने क्लास ऑलमोस्टली 30 मिनट्स के अंदर में सिंपली होगा। मैंने जो मेन अच्छा, सब्जेक्ट है वो 30 मिनट्स ही सिर्फ रहेगा। सो इसके लिए मैं और मेंबर्स की इंतज़ार कर रहा हूँ, और पाँच 7 मिनट का इंतज़ार करेंगे। ऑलमोस्टली 11:19 हो गया, 11:25 में शुरू करेंगे। सो क्या है, ये सभी मेंबर्स आ जाएंगे अच्छा तो क्वेश्चन आज बहुत आसान है, सिंपल है, कोरोना एडिशंस में। अच्छा अच्छा, उस दिन गब्बर में एक वीडियो में बोला हूँ कि मैंने कोरोना एडिशंस देकर क्या फ़ायदा किया, सिर्फ लोगों को हंसा सका करेक्ट, हूँ। लोग इससे बहुत अच्छा ज़बरदस्त हंसे हैं, करेक्ट? नमस्ते सर नमस्ते, आए क्या? सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग हंसे हैं बोल के? ऐसा मत बोलिए, लोगों का क्या करना है हमसे?
हमें तो उम्मीद मिल रहा है सीखने का ना। नहीं नहीं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, जिनको तकलीफ हो रहा है, उनसे क्या करना, नहीं जब छोड़ दीजिए। ये SKB कोरोना एडिशंस बोल के हमारे घर वालों को दिखाया कि ये कोरोना एडिशन तो बहुत हंसने लगे। अरे भाई ये अच्छा कौन सा एडिशन है? मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा घर में बोल रहे हैं। तो मैंने बोला कि एक ऐसा मतलब आइकॉन ढूंढा, मतलब कैप्शंस ढूंढा ताकि लोगों को कुछ हंसी मिले और मजाक भी मिले और टाइम पास होना चाहिए। नहीं, करोना से मजाक उड़ा अच्छा सकते भाई, करोना से सबके बचाने के लिए भी क्रिएट करे आपने। सो बाद में देखा तो पूरा सोशल नेटवर्क को देखा, सब कोरोना एडिशन लेकर आ गए। भाई बोला माशाल्लाह, अब पूरे के पूरे सब कोरोना एडिशन को लेकर आएंगे। सर आप ट्रेंडिंग पेटेंट लेना था आपके टाइटल हाँ पेट आप जो भी एडिशन लेके आ रहे हो उसका पैटर्न करवा लीजिए पहले से, क्योंकि वासी सर को कॉपी करने के लिए सबको ही आ जा रहा मजा तो तब आएगा ना जब पता चलेगा अरे यहाँ भी है माशाल्लाह, आप भी करो करो आगे बढ़ो। तो पेटेंट कर लेने से क्या होगा, जो जो लोग आना चाहिए था वो आएंगे नहीं, फिर उससे क्या है अभी कोरोना नहीं के नहीं सीजन में। सर 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 सुनिए सुनिए सुनिए, पैटर्न मत कीजिए, खाली लिख दीजिए वहां पे ये पैटर्न है बोल के, जो आपका जो पोस्टर बनाते हैं ना उसमें खाली लिख दीजिए ये पैटर्न है बोल के, तब देखते हैं क्या होता चलिए है। अगले बार आपकी बात मानते हुए पेटेंट लिखेंगे बोल के, लोग ने तो पेटेंट को लेकर पेटेंट मेडिसिन बना देंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऑलमोस्टली मेंबर्स जुड़ चुके हैं। ज़्यादा देर ये क्लास को लूँगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट बहुत छोटा है, और मैंने सोचा कि कल एक बहुत बड़ा बाउंसर सब्जेक्ट दिया था, हालांकि उसकी रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, अपलोड होना बाकी है तो उसकी डिस्कस करूँगा नहीं मैं। तो मैंने कल जो ठीक सब्जेक्ट दिया था जो कि एक PS लॉजिक की यानी कि पावर स्विच लॉजिक की, हमारा राइट ना, सो वो ऑलरेडी मैं उसकी रिकॉर्ड हो चुकी है। और जैसे ये बहुत सारे मेंबर्स एक्चुअली ये सब्जेक्ट जो है आपको टेक्स्ट में बयान नहीं कर सकते, मतलब टेक्स्ट में आप इसको लिख कर इतना अच्छे से समझा नहीं सकते क्योंकि ये एक लंबा थ्योरी के टाइप का जैसा है। तो मैंने सोचा शायद कुछ एक्सपर्ट्स होंगे जो जवाब भी दे देंगे, खैर दरअसल बहुत सारे लोग जवाब दिए, उनके ऊपर मैंने रिकॉर्ड कर चुका हूँ। आज सोचा कि नहीं एकदम सबसे आसान सब्जेक्ट पे जाते हैं, जिससे देखते हैं कि मतलब कितने जन में कन्फ्यूजन अभी भी है या नहीं है। और इसीलिए मैंने आज ये सब्जेक्ट बनाने टाइम में मेरे को एक बात याद आया कि मैं आज एक चीज़ कंफर्म हो जाऊंगा कि बच्चे सुनते हैं या खाली रिकॉर्ड मारते हैं या वीडियो खरीदते हैं, इतना मैं आज कंफर्म होने के लिए इसको लाया था। CSME को लेकर अब तक आप अगर पूरी YouTube देखेंगे, पूरी YouTube, बहुत सारे इंडिया में आजकल तो सब ट्रेनर बन गए हैं, किसी को मना नहीं कर सकते, अच्छी बात है, कोरोना में सब ट्रेनर बने तो कहीं ना कहीं टाइम पास बनेगा। कहीं ऐसा ना हो कि सभी ट्रेनर जाके SIO में अटक जाएं, ठीक है, हम उनकी शुभकामनाएं करते हैं कि कम से कम SIO से आगे जाएं, ठीक है। तो अगर आप पूरी YouTube देखेंगे, पूरी की YouTube देखेंगे, बहुत सारे ME CSME क्लीनिंग के ऊपर में वीडियोस डाले हैं जो कि 100% सही है, उसको गलत नहीं कह सकते, 100% सही है। पर क्या हमारे जो यहाँ पर SKB कोरोना एडिशंस में जुड़े हैं, जो SKB के स्टूडेंट हैं, सर या ऑडियो ऑडियो कट रहा है क्या, या नहीं आ रहा है सर, बराबर है सर, YouTube ऑडियो कट पे। रही है हेलो, एक्चुअली क्या है, आपका, ऑडियो तो मुझे क्लियर है। मैं यही बोल रहा हूँ, कन्हैया सर या सुजन या नहीं फिर ऑडियो नहीं कुछ, गब्बर, इन तीनों के बगैर बाकी जिसकी भी ऑडियो कट रही है आप री अगेन एंट्री कीजिए, ठीक है, वरना क्या है आप लोगों के चक्कर में मैं फिर बीच में बार बार डिस्टर्ब होऊंगा, अच्छा लगेगा नहीं। तो कम से कम ये तीन मेंबर्स, गब्बर या सुजन या हमारे और ये कन्हैया सर, अगर इनकी मैसेज आ रही है कि ऑडियो कट रही है देन मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा, बाकी अगर बहुत कट किसी रही को है सर। बाकी किसी की भी आवाज़ कट रही है वो तो रिजॉइन कीजिए, ठीक है। नहीं 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 कट रही आपका है, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो,
वही बोल रहा हूँ, बराबर है। सही है, वही बोल रहा हूँ, बाकी जिसकी भी कट रही है वो रिजॉइन कीजिए। हेलो, सो मैं गब्बर ये बोल रहा था, ये क्लास करने नहीं देंगे, हाँ मैं ये बोल रहा था कि क्या एसकेबी की स्टूडेंट हो या कोई यूट्यूब के जरिए व्यूअर्स हो या फिर आपके किसी अलग ट्रेनर्स के भी स्टूडेंट्स हो, क्या उन्होंने ओके एमई क्लीन या सीएसएमई क्लीन नहीं सिखा है, या इसमें कौन सा क्लीन होगा और कौन सा क्लीन नहीं माना जाएगा, क्या ये नहीं सिखाया गया होगा, ऐसा आप सोचते हैं? बिल्कुल मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ऐसा सिखाया नहीं होगा, हर ट्रेनर ने सिखाया होगा। और जहाँ तक बात है, मैं खुद पर्सनली केस स्टडी डिस्कशंस कई बार कर चुका हूँ सीएसएमई को लेकर, क्लास भी कर चुका हूँ पेड बेसिस में भी, फ्री बेसिस में भी, एसकेबी की स्टूडेंट्स को भी सिखाया हूँ, मेरी यूट्यूब में भी वीडियो पड़ी है हाउ टू क्लीन सीएसएमई, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई इट इज़ क्लीन और नॉट। लेकिन बावजूद आज फिर भी कई सारे बच्चों का ऐसा आंसर मेरे को मिला जहाँ वो आज भी डाउट में है, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न। सवाल ये है कि ऐसा क्यों है, पूरा यूट्यूब में वीडियो है, बाकी से भी वीडियो खरीदते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, बाकी आप हर जगह पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि आज भी 257 और दूसरे ग्रुप में 200, 400 मेंबर यानी कि 500 मेंबर्स में अभी भी डाउट है, यानी कि अगर जवाब सिर्फ 30 या 35 बंदों का आया है, मतलब या तो ये 30-35 जन एक्टिव रहना चाहते हैं या बाकी के 450 जन को वाकई में नहीं मालूम एमी क्लीन किसको माना जाता है। अदरवाइज इतना सिंपल आंसर में जवाब नहीं देना, मुझे नहीं लगता है कि कोई सोचा होगा कि मैं अगर जवाब गलत दे दूं तो फांसी चढ़ जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है ना। आज की सवाल बहुत आसान था, कोई एक लफ्ज में भी बोल सकता था, इनिशियलाइज कॉन्फिगर, am I right ना, इनिशियलाइज या फिर कॉन्फिगर, लेकिन ऐसा क्यों है कि सबने जवाब नहीं दिया? वजह यही है, ये आज भी 100% श्योर नहीं है कि किसको कहते हैं एमी परफेक्ट क्लीन और किसे नहीं कहते हैं कि एमी क्लीन नहीं है। इट इज़ द 100% ट्रू बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इतनी छोटी सी सवाल के लिए मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और जवाब नहीं देंगे। आमा राइट ना कन्हैया सर? सो इसका सबसे बड़ा जो जी सर, रीज़न है, सबसे बड़ा जो रीज़न है, एक मैंने आज ऑनलाइन क्लास में भी बताया और टेक्स्ट में भी मैंने लिखा था, सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है कि हम कम सुनते हैं ज़्यादा बोलते हैं, कम सुनते हैं ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं ऑनलाइन क्लास में ज्यादा बताया, बोलते हैं। ज़्यादा हम लोग सोचते हैं कि हमारे को, हाँ ये छोटा सा क्वेश्चन क्या है, ये फिफ्थ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, यहाँ कोई एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बना नहीं रहा है, यहाँ आपकी इंटरनल अंदर में क्या छुपी है उसको बाहर निकालने के लिए, उसको रीबिल्ड करके रीस्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ये सवाल जवाब एक मज़ेदार प्लेटफॉर्म में ला रहे हैं। उसी तरीके के आज हमारे एक और हमारे जो लाल बाबू सानी जी, उन्होंने भी एक और एक चीज़ डाला था, उसके तरफ भी रोशनी डालूंगा। यहाँ अगर आप देखेंगे, अरे रुक रे बाबला भागता कहाँ हुआ है, ये देखिए, आज भी लोग ऐसा क्यों है कि वोल्टेज डिवाइडर पर उनको डाउट है, ऐसा क्यों है, व्हाई? अच्छा यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हैं, मुझे एक सिंपल का जवाब दीजिए, सिंपल का जवाब दीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजर का सिस्टम बनाऊंगा नहीं। सर माइक्रोफोन को थोड़ा मुंह के पास लाइए। लाया हूँ सर, अरे नींद लग रहा है ओके क्या? नहीं जी, हैंग हो रहा है। नहीं, हैंग नहीं हो रहा है, आवाज आ रहा है सर। आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट कितना आएगा? देखिए यहाँ पर मैंने ये ठीक 10 वोल्ट्स, है, 10 वोल्ट्स दिया हूँ और मैंने दो रजिस्टर यहाँ दिया है, फाइव आएगा, फाइव आएगा। कौन 5 आएगा। बोला जी फाइव अरे आएगा? रुको रुको गब्बर रुको, बाकी बोलने दो, सबको बोलने ओके दो, सर, बोलिए।
था सर, ये 100 था क्या ऊपर वाला? मेरे को नहीं मालूम, मैं लिखा हूँ आप पढ़ो। 10 वोल्ट की एंट्री है, विन है, बाकी R1 ये है, R2 ये है, वी आउट बताइए कितना होगा। वी आउट बताइए, क्लियरली दिख रहा है और क्लियरली मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एक और बार बना देता हूँ। अब क्या है कन्हैया सर, हमने 9.9 कंफर्म किया किससे? वोल्टेज डिवाइडर से, am I right? वोल्टेज डिवाइडर से। लेकिन जिन्होंने 5 का आंसर दिया था वो इस बात के लिए दिए थे कि यहाँ पर 100 है और यहाँ पे 10 किलो ओम है, या तो फिर इसको भी 100 समझ बैठे थे सर। वो मैं ओम्स ऊपर ओम्स था उसको कैलकुलेट नहीं कर पाया मेरी, मैं अब इतना आसान बाद में देखा, आसान लॉजिक दे रहा हूँ तो मैं क्या बेवकूफ हूँ ना? मैं आसान लॉजिक दिया, दो रजिस्टर आप इतना दिखा रहे हो, मैंने इतना नहीं दिखाया, मैंने दो पूछा, पर इसमें मैंने नहीं बोला कि ये 100 ओम है और ये 10 किलो ओम है, मैंने सिंपल लिख दिया, मैंने सिंपल क्या किया? बिल्कुल सर, am I right ना? तो हमारे में होता क्या है, एक टीचर ये सब पढ़ाता है लेकिन हमारी नजरिया वही देखती है जो हमें समझ में आती है। मैंने सिंपली इसलिए बोला कि अकेले टीचर ने नहीं पढ़ाया कि V out equal to V into R2 by R1 plus R2। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ाया है तो इतना बेवकूफ तो आज के डेट में कोई नहीं है जिसको वोल्टेज डिवाइडर इंटरनेट से निकालना आता नहीं है फॉर्मूला। तो हमने वही किया जो हमारे को स्मार्टली दिखा, हमने वो नहीं किया जो हमारे पॉइंट को टिके रहने चाहिए था, हमने इसके यूनिट पे टिका नहीं, हमने इसके देखाव पे बहका गए। आई बात समझ में? हमें वाकई में इसकी यूनिट को सेम करना चाहिए था कि अगर ये किलो ओम्स है तो इसको भी किलो ओम्स में कन्वर्ट करो, या तो ये ओम्स है तो इसको ओम्स में भी कन्वर्ट करो, तभी हमारे को राइट आंसर मिलेगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने देखते ही इमीडिएटली कॉल टू एक्शन में आ गया, जो कि हमारी आज की डेट की वही हाल है। सभी इंजीनियर्स के पास में यूट्यूब की पूरी फैसिलिटीज है और बहुत सारे ट्रेनर्स वीडियो अपलोड कर रहे हैं और बहुत सारी वीडियोस को परचेस करके बच्चे देख रहे हैं, बहुत सारी जगह ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, लेकिन उनसे यही गलती हो रही है कि वो सर आपका आवाज कट रहा है, माइक्रोफोन दूर हो जा रहा है आपका। नहीं, वो 89 टच किया ना, तो 89 टच करने से इंटरनेट को प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को, आई बात समझ में ना? नहीं, आपका आवाज ड्रॉप कर जा रहा है, मैंने माइक साइड जा रहा होगा। मैं समझ गया आपको बात को, मैं वही नहीं, आवाज कट नहीं रहा है सर, आवाज मतलब कट नहीं रहा, ड्रॉप कर रहा है सर, आवाज धीमा रहा है सर। अभी आया? हेलो, अभी आ रहा है जी? अभी आया सर, अभी आया। ओके जी, तो कन्हैया सर, अच्छा बसीर सर, बोलिए। हेलो, सुन रहा हूँ, बोलो। हेलो, सुन रहा हूँ जी। सर यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे थे, मैं नहीं समझ पाया सर, थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देते तो अच्छा होता। वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप देख लीजिएगा पूरा एचडी। कट रहा है आवाज आपका। वीडियो अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा पूरा एचडी क्वालिटी में, ठीक है? अभी कट रहा है सर, अभी कट रहा है आवाज। क्या हेलो, ओके, हेलो हेलो, हाँ जी सर बोलिए। मैं बोला वीडियो अपलोड कर दूंगा,
हाँ सर आ रहा है आवाज, बोलिए आप बोलिए। वीडियो अपलोड कर दूंगा, एसडी में देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अपलोड हो जाएगा ये जी वीडियो, जी आप उस पर देख लीजिएगा, ठीक है। खैर यहाँ पर इंटरनेट की जी मेरी सर इशू हो रही है, सो मैं जल्दी क्लास को लेता जी हूँ। जी यहाँ पर मैंने पूछा था कि लेकिन लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा सर, एक सेकेंड। हेलो हेलो, बोलिए, सुन रहा हूँ। सर, मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको ये जो स्नैपशॉट दिया था, ये जो वोल्टेज डिवाइडर वाला, ये अरशद सर का एक्चुअली क्वेश्चन का आंसर दिया था मैं, कि ये आपने जो बताया था उस टाइप का, मैं जो तीन चार स्टेज लगा के यहाँ यहाँ कितना आएगा वो बताए थे, मैं लिख के रखा था, मेरे को टाइम हुआ तो उसको बताया था मैं यहाँ पे, अगर कुछ वो कंफ्यूजन है तो उसको देख आप लीजिए, नहीं, वो आप और वो जो एक्चुअली डाला अरशद सर ना, का आंसर था। आप जो डाला है वो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का कैलकुलेशंस है। सो सिमुलेटर तो ऑलमोस्टली 100% सही आंसर देगा। जी जी सर, आप तो अपना लेकिन हाँ लेकिन मैं उसको उसको मैं मैनुअली भी कैलकुलेट किया था। नहीं, हेलो, उसको मैं जैसे कि मैं एक्चुअली मैं अपना जो नहीं, बताइए। मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैंने बोला नजरिए की बात बोला मैंने, कि 100 ओम्स हमने देखे, उसको 100 किलो ओम्स सोच बैठे। आई बात समझ में? 100 ओम्स देखे तो या तो हम उसको 100 किलो ओम्स में ले रहे हैं, या अच्छा तो 10 किलो ओम्स जी सर देखे हैं, हम उसको 100 ओम्स समझ रहे हैं। ये नजरिया की बात मैं समझा रहा था। खैर वो आप वीडियोस देखने से आपको समझ में आएगा, अपलोड हो जी जाएगा, सर ठीक ठीक है है। जी तो मैंने यहाँ कन्हैया सर पूछा था, हाउ कैन कन्फर्म जी इंटेल सर जी सर सीएसएमई इज क्लीन और नॉट, इंटेल सीएसएमई क्लीन और नॉट। बहुत सारे बंदों ने सही जवाब दिया है। सबसे आसान तरीका ये है कन्हैया सर, हमारे को क्या करना है, किसी भी 11 सीरीज की अगर बायस की बात आती है तो हम उसको एमई एनालाइजर में ओपन करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ओपन इन एमई एनालाइजर। एमई एनालाइजर में ओपन करने के बाद यहाँ हमारे को फाइल सिस्टम की स्टेट क्या है सर, कन्हैया सर? वॉइस कट रहा है सर, वॉइस कुछ नहीं जा रहा है सर, आपका फाइल आवाज फाइल सिस्टम की आवाज बहुत नेट जा रहा है सर इशू आपका। है। फाइल सिस्टम की स्टेट अभी आ रही है आवाज? सर फाइल सिस्टम की स्टेट हमें डिस्क्राइब करेगी कि ये वॉइस प्रॉब्लम नहीं सर, है, कट रहा है आवाज सर, आवाज कट रहा है। भाई कोई एक बात कीजिए, करने है सर, आप कनेक्टेड कनेक्ट होके रहिए सर, कोई एक बात कीजिए। थैंक यू। कनेक्टेड हूँ सर, का आवाज तो कट रहा है ना, सारे कुछ नेट का इश्यू है सर, शायद चारों पांच एक बार बोले तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी आ रहा है क्या? अभी आ रहा है? हेलो हेलो, अभी तो आया सर, आ रहे पता नहीं। हाँ सो सर आ अभी रहे तो सर, अभी आ आया, रहे मैं ये आ रहा है बोल रहा अभी। हूँ कन्हैया सर, कि हमारी फाइल सिस्टम में, फाइल सिस्टम की स्टेट ही हमें समझा सकती है कि ये क्लीन है या नहीं है। इज इट क्लीन और नॉट, हमारी फाइल सिस्टम की स्टेट से नहीं पता कर सकते हैं। सो नो हमारे को फाइल सिस्टम की स्टेट 3 तरीके की मिलेगी। एक मिलेगी इनिशियलाइज्ड, एक मिलेगी क्या है, इनिशियलाइज्ड। इनिशियलाइज कॉन्फिगर स्टॉक एक मिलेगी स्टॉक कॉन्फिगर, एक मिलेगी अनकॉन्फिगर्ड। कॉन्फिगर और एक स्टॉक नहीं, अनकॉन्फिगर्ड, मैं 11 सीरीज की बात कर रहा हूँ। कॉन्फिगर। रीजन स्टॉक एंड एक्सट्रैक्टेड की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके वो टाइप्स यहाँ पर मिलेगा और उसकी कैलकुलेशंस आपको 11 सीरीज से कम, 10 से लेकर 6 से लेकर 10 में उसकी कैलकुलेशंस होती है, ठीक है। मैं 11 सीरीज एंड एबव की बात कर रहा गिर गया आवाज आपका। ओके सो यहाँ पर आपको तीन तीन स्टेट सर, ओके मिलेगी। ओके तीन स्टेट में पहला स्टेट जो है इनिशियलाइज्ड। इनिशियलाइज्ड का मतलब ये है कि ऑलरेडी ये यूज्ड हो चुका है। ऑलरेडी इट इज द डंप इज ऑलरेडी यूज्ड। यूज्ड डंप है मतलब ये किसी यूज्ड प्लेटफॉर्म में यूज्ड हो चुका है।
अब ये उसी बोर्ड पे परफेक्ट चलेगा जिसका डंप है। सपोज ये एक्स सीरीज की वन बोर्ड की डंप थी, तो आप एक्स सीरीज की उसी एग्जैक्ट बोर्ड पे इस डंप को चलाओगे तो ये भी चल सकता है। अगर इसे एक्स सीरीज की अलग बोर्ड में यूज करना है तो यू नीड टू बी क्लीन एमई, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिगर। दैट इज कॉल्ड क्या है? कॉन्फिगर। क्लीन अगेन या कॉन्फिगर। अरे किसका है भाई? 2067 कौन है रे भाई? बंद करो। कन्हैया सर, हम कॉन्फिगर किसको बनाते हैं? हेलो, कॉन्फिगर किसको बोलिए। बनाते हैं? कॉन्फिगर हम अनकॉन्फिगर को कॉन्फिगर बनाते हैं। किसको? अनकॉन्फिगर को कॉन्फिगर में कन्वर्ट करते हैं। किसके कन्वर्ट जरिए? या तो FITC टूल्स के जरिए हो, या कर फिर अगर आपके पास में कोई किसी स्पेशल टूल्स है, तो अगर आपके पास कोई स्पेशल टूल्स कस्टमाइज बना है, तो आप उसके जगह कॉन्फिगर को लेकर, सॉरी अनकॉन्फिगर को लेकर आप कॉन्फिगर करेंगे। मतलब जब FITC टूल से एक्सट्रैक्ट होके इसके अंदर में आप एमिन इंटीग्रेट करेंगे CSMI को, तो ये कॉन्फिगर होगा। अनकॉन्फिगर कब दिखता है? अगर आप जी सिंपल हेक्स में इस फाइल को ओपन किए, सपोज आपने ये फाइल को ओपन किया हेक्स में, ओल्ड फाइल को, ठीक है, आपको यहाँ पे लगा कि ये आपका CSMI का ऑफसेट है, आपने क्या किया, नया CSMI का ऑफसेट को एक जगह से कॉपी किया और लाके यहाँ पेस्ट कर लिया। तो जब भी आप इसको ओपन करेंगे एमी एनालाइजर में, तो आपको यहाँ पर जी दिखेगा अनकॉन्फिगर्ड। क्या दिखेगा? अनकॉन्फिगर्ड। लेकिन जब आप कंफिगर्ड इसको FITC टूल के अनकन माध्यम से इंसर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा कॉन्फिगर। जब आपको जी कॉन्फिगर सर बन जाएगा, दैट मींस इट इज कंफिगर्ड नाउ रेडी टू यूज एनी सरफेस ऑफ दैट बोर्ड। मतलब फ्लश उसी बोर्ड का पर्टिकुलर सेम वर्शन की बोर्ड पे, सेम CPU की बोर्ड पे, या सेम आप यूं कह लो कि हूबहू बोर्ड पे, दूसरे बोर्ड पे यूज करने के लिए तैयार है। नाउ इट इज ऑन जी क्लीन मोड। हाँ इसका जो न्यू जो CSMI है वो क्लीन हाँ सर आ गया साउंड। कॉन्फिगर्ड है, तो इसका मतलब आपको क्लीन करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी प्री क्लीन। आइए जी समझ में। तो हम क्या करते हैं, कॉन्फिगर हाँ है तो भी फिर उसको कॉन्फिगर करने के चक्कर में दौड़ते हैं, और इनिशियलाइज है तो हमें कॉन्फिगर करने की जरूरत है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर मैं आपको दो चीज दिखाता हूँ, एक जी बस अनकॉन्फिगर है और एक मैं आपको दिखाता हूँ कि एक अनकॉन्फिगर, सॉरी एक ये है, ये हो गया कॉन्फिगर, ये हो जी गया सर इनिशियलाइज, ठीक है। ये हो गया आपका इनिशियलाइज पार्ट, यानी कि ओल्ड डंप किसी पे ऑलरेडी यूज हो चुका है, और ये ऑलरेडी इसको मैंने क्लीन कर चुका हूँ। दिस इज जी क्लीन CSME, CSME, दिस इज यूज्ड, दिस इज यूज्ड CSME। आई बात समझ में? और एक जो आपको दिखाएगा वो है डिस्प्ले भैया अनकॉन्फिगर्ड। अनकॉन्फिगर्ड दिखाता हूँ आपको, अनकॉन्फिगर्ड कैसे दिखाएगा। अनकॉन्फिगर्ड देखिए ये हुआ आपका अनयूज्ड अनकॉन्फिगर्ड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कहीं यूज नहीं हुआ है। माइंड इट, दिस इज द मीनिंग इज नॉट, इट इज नॉट यूज्ड एनी होयर। इसकी जी यूज हुई है या नहीं हुई है इसकी डिसाइड यहाँ पे होती है टाइप में। इस बात का याद रखें, नेक्स्ट सेशन में इसको समझाऊंगा। कि या तो फिर जो लोग मेरी जो प्राइम मेंबरशिप ले रहे हैं उसमें मैंने स्पेशली बताया हूँ कि ये जो कन्फिगर्ड हो या अनकन्फिगर्ड हो, इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि ये यूज नहीं हुआ है। यूज हुआ है या नहीं हुआ है, इट इज ओनली डिसाइडेड बाय इट्स टाइप। आइदर यू कैन डिसाइड बाय स्टॉक और डिसाइड बाय एक्सट्रैक्टेड। क्यों
क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड एंड स्टॉक बहुत बड़ा रोल है, जो कि मैं इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट क्लासेस लिया तो उसमें बताऊंगा, अदरवाइज मेरे प्राइम मेंबरशिप में उसमें बताया हूँ, उसमें कम्प्लीटली स्ट्रक्चर में बताया हूँ कि स्टॉक एंड मतलब एक्सट्रैक्टेड क्या है, कन्फिगर्ड अनकन्फिगर्ड एंड इनिशियलाइज क्या है। मैंने आज आपको बताया कि कन्फिगर्ड से क्या होगा, कन्फिगर्ड माना जाएगा कि क्लीन, अनकन्फिगर्ड माना जाएगा कि ये अभी तक अपने किसी डंप में यूज नहीं किया है, मतलब ये इंसर्ट नहीं हुआ है, ये सेपरेट है, और अगर इनिशियलाइज आया है तो इसका मतलब ये ऑलरेडी हमारे सिस्टम पे यूज हो चुका है। आई बात समझ में? लेकिन इसकी सबसे बड़ी गेम यहाँ पे है, यूज हुआ है, ये दो सबसे बड़ा गेम है, ठीक है, ये जितनी गेम नहीं उससे बढ़कर ये है। इसके बारे में होगा तो इंशाल्लाह किसी दिन क्वेश्चंस करूंगा, तो इट इज अ वेरी सिंपलेस्ट आंसर था, इसको बहुत सारे मेंबर्स आंसर बसीसन होते। नमस्ते, मैं एक जरा से खाली फटाफट देख लेता हूं कौन-कौन जवाब सही दिए हैं, ताकि उनको वीडियोस देने के लिए मैं एक वीडियो बना लूं। एमई एनालाइजर ऑप्शन जब भी कॉन्फिगर्ड लिखा होगा तो बायस ओके, सीएसएमई क्लीन हो गया भाई, इनिशियलाइज दिखा तो भी नहीं। दीपक शर्मा जी आप सही हैं, फॉर माई नॉलेज एमई एनालाइजर कंफर्म करते हैं इनिशियलाइज अनकॉन्फिगर होगा, करेक्ट है। और होप कि सभी मेंबर्स ने सही आंसर दिए हैं, सिर्फ एक या दो मेंबर्स जिन्होंने गलत आंसर दे दिए हैं, पूरी बिल्कुल गलत आंसर दिए थे, दो ही मेंबर्स सिर्फ उन्होंने गलत आंसर दिए थे, बाकी सभी मेंबर्स जो है ना वो सही आंसर दिए हैं। उनमें से वो गलत आंसर देने वाले कहाँ चले गए, मैं देखा था शायद इस ग्रुप में है। Using analyzer means clean or initialize means backup. Okay, manager हो सकता है clean. नहीं मालूम सर, absolutely right. कहीं पर तो किसी ने एकदम बिल्कुल गलत आंसर दिया था, पता नहीं कहाँ चले गए। सर एम डेस्कटॉप बैच, ओके नो एम एनालाइजर एफ आई टी सी, ओके मदरबोर्ड से जो बैकअप लेकर एम एनालाइजर चेक करते हैं वो इनिशियलाइज होगी, उसकी टूल से जब एम ई रिजिन रिप्लेस करते हैं और एम ई एनालाइजर में अगर कन्फिगर्ड आ जाए तो इसका मतलब बायस क्लीन हो गई है। क्योंकि सी एस एम ई क्लीन बीन फाइल को एम एन एलाइजर टूल में ड्रैग करके फाइल सिस्टम स्टेट कन्फिगर्ड हो तो क्लीन है। ओके डन, एम एन एलाइजर के जरिए हम पता कर सकते हैं कि सी एस एम ई क्लीन है या नहीं है। एम एन एलाइजर में जब हम बायस को ओपन करते हैं उसके बाद अगर इनिशियलाइज है तो इसका मतलब इसकी बोर्ड में यूज की हो चुकी है। सर मैं एम एन एलाइजर बायस ओपन करें तो फाइल सिस्टम स्टेट कन्फिगर्ड, शायद किसी ने एक गलत आंसर लिखा था, बाद में शायद डिलीट डिलीट कर लिए, पता नहीं क्या किए, लेकिन किसी ने तो गलत लिखा था, ओपन चेक किए तो कन्फिगर है या नहीं। खैर बाकी सभी मेंबर्स ने सही जवाब दिए हैं, जितने मेंबर भी जवाब दिए हैं वो मेरे को टेलीग्राम पे मतलब हाई कर सकते हैं और अपना स्क्रीनशॉट उठा के दे सकते हैं, मैं उनको प्रैक्टिकल वीडियोस सेंड करूँगा, ठीक है। हेलो, हेलो गब्बर, हेलो सर, अगर आप वायर वाला माउस हेडफोन यूज कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, बहुत साउंड कट रहा है आपका। हेलो गब्बर, अरे मियां तुम्हारा नेट का इशू है, करेक्ट, नेट का इशू है तुम्हारा, मालूम है नेट का इशू है। अच्छा आप कुछ बोल रहे थे इस इवनिंग में कि केस स्टडी डिस्कशंस में आप कुछ बोलना चाहते हैं, मैं आपको प्रेजेंटर बना दूंगा। गुरुजी किसी को डायल कर लीजिए ना। हेलो हेलो, हेलो जी गुरु जी बोलिए। मैं बोला गब्बर तुम्हारे को प्रेजेंटर बनाता हूँ, रुको